नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मेरा नाम है रॉबिन तनवर। इस समय खबर निकल कर आ रही है उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके से। दरअसल मामला ये है कि जिस दिन दशहरा था, दशहरे के मेले के बाद दो पक्षों में छोटी सी बहस छिड़ गई। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप ले गई और वह झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से हथियार निकाल लिए गए। कुछ पक्षों ने लाठी डंडे, तलवार और यहाँ तक कि कुछ पक्षों ने तो बंदूकों का भी उपयोग किया। बहस का मुख्य कारण क्या है, यह अभी तक सामने निकलकर नहीं आ पा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुख्तार और प्रेरणा वहां अभी मौजूद हैं। चलिए आपको वहां ले चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। आपको बता दें कि दिल्ली में आए दिन हमें अलग अलग घटनाएं सुनने को आते रहती है, चाहे वो मारपीट की हो, चाहे वो सिंपल लड़ाई झगड़ों की हो। लेकिन कब ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किसी के हत्या का रूप बन जाए, ये पता भी नहीं चलता। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के बिंदापुर में और यहाँ पर ऐसी ही एक घटना सामने आई है। यहाँ पर दशहरे के दिन दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद तलवारें निकल जाती है। आइए यहाँ के चश्मदीदों से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की लेकिन कैमरा के सामने कोई भी बयान देने को यहाँ तैयार नहीं है। घटना के बाद से ही सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं, लगातार यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू है। आपको बता दें कि ये घटना इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी भी तरह का बयान देने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा के सामने ये लोग बोलने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, किसी ने हमें अभी तक साफ मामला सामने नहीं बताया है। हम यहाँ पे लोगों की राय लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन ये लोग हमें देखते ही कैमरा देखते ही ये लोग भाग रहे हैं। ये लोग कुछ भी कहने के लिए कैमरा के सामने तैयार नहीं है। हमने यहाँ के अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन ये लोग कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार सर, आपका नाम? MD मजर। सर, यहाँ पे एक घटना हुई थी दशहरे वाले दिन, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं जी, नहीं, हम तो सो रहे थे। हम 10 बजे 10:30 बजे सो गए थे, हमें पता ही नहीं था। उसके बाद कुछ जानकारी आपको मिली होगी? नहीं नहीं, हम तो सुबह ही उठे थे, सुबह जब यहाँ की जानकारी ये है, पब्लिक को गेट पीट के पुलिस वाले आए हैं, उठा के सोते हुए लेके गए यहाँ के बंदों को, कोने से हमारे बराबर से दामाद को ले गए हैं और 4-5 घरों से लेके गए। किस वजह से लेके गए, कुछ जानकारी? कह रहे थे पूछताछ की नहीं ले जा रहे हैं। कुछ पूछताछ हुई है? पूछताछ तो कुछ नहीं हुई, वहाँ पर बस छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया सारों। हाँ, नमस्कार मैम, आपका नाम? अंकिता। अच्छा, आपको पता है दशहरा वाले दिन यहाँ पे एक घटना हुई थी, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में क्योंकि मैं अपने घर में सो रही थी उस टाइम पे। उसके बाद कोई जानकारी मिली? जानकारी मिली थी। क्या जानकारी? मेरे को यही जानकारी मिली थी कि यहाँ पे लड़ाई हो गई है, किसी ने यहाँ तलवार मार दी है, बस इतना ही पता है। उसके बाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है कुछ लोगों का, ऐसे कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं। क्या बोल रहे हो? वो शायद सीरियस है। अच्छा, तो वो उनकी मौत नहीं हुई है, मतलब एडमिट है अस्पताल में उनकी? हाँ। जात अभी उनकी डेथ नहीं हुई है, वो सीरियस है। अच्छा, उसके बाद से और पुलिस ने और कोई कार्यवाही की? नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे संवाददाताओं ने वहाँ पे काफ़ी कोशिश की लोगों से बात करने की लेकिन वहाँ लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोई बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, यहाँ तक कि कैमरे को देख के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में भाग रहे हैं और कुछ लोग देखते ही कैमरे को गली में घुस जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि आखिर ये लोग डरे क्यों हैं, क्या इन्हें किसी गुंडे का डर है, किसी दबंग का डर है या फिर ये लोग किसी पॉलिटिकल दबाव में हैं? आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्वराज मीडिया।